अस्सलामु अलैकुम। तो अभी हम हैं बरेसवाना में और ये दूसरी वीडियो स्टार्ट हो रही है। हम जा रहे हैं अभी यहाँ पे पीछे एक जगह है, असल में एक स्ट्रीम है, वहाँ पे जा रहे हैं। नाव किस जाए हिर नहरवा, नाव किस तरह जाए बात नैगनियाल, नैगनियाल वहाँ का नाम है और वहाँ पे कुछ पानी वगैरह और खूबसूरत मैंने सुना है। तो मैंने उठाया साथ में अपने भाई को, इनका नाम, आपका नाम क्या है? दीन मोहम्मद इनका नाम है और यहीं पे होते हैं। अस्तगफिर अल्लाह, फॉरगिव मी। हमने उस जगह जाना, पीछे वो जो जगह दिख रही है वहाँ पे, ये जो घर है वहाँ पे पीछे, और उसके पीछे एक नाला है, नाले में एक वहाँ पे देवदार है। देव मैंने सुना कि उस देवदार के नीचे से एक, मतलब जितना भी वहाँ से स्ट्रीम चलता है, जितना भी पानी चलता है, वो वहीं से निकलता है। तो वहाँ जाएंगे। मुझे ये चीज़ थोड़ी याद आई कि अल्लाह ताला ने कितना कुछ बनाया है इस दुनिया में, कितनी ज़्यादा क्रिएशन है अल्लाह ताला की जिनको हम गिन नहीं पाते हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की है और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि सूरह नंबर 41 यानी चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 53 में कि अनकरीब मैं इन लोगों को दिखाऊंगा निशानियां, अब इनके जो हॉरिजन्स है आफाक में और इनके अंदर, इनके नफ्स के अंदर, इनके अपने आप के अंदर में निशानियां दिखाऊंगा इन लोगों को। और हम देख रहे हैं आज साइंस हमें खोल खोल के दिखा रही है वो चीज़ें, और जो कि कुरान ने 1400 साल पहले कही थी, आज हमें साइंस वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर ताकि इन लोगों को यकीन हो जाए कि ये जो किताब है, ये जो कुरान पाक है, ये यकीनन हक है। फिर अल्लाह ताला आगे कहते हैं कि, फरमाते हैं कि क्या इन लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी नहीं कि इनका रब इनका शाहिद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए काफ़ी है ये चीज़ कि हम मानते हैं ये चीज़ कि ये जो सब चीज़ें हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और जो कुरान है ये हक है, अल्लाह ताला हक है, हमारा दीन हक है। तो हमें चाहिए कि हम कुरान पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर गौर व फिक्र करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान पे गौर व फिक्र करो, कुरान पे, कुरान के देखो तर्जुमा तफसीर पढ़नी चाहिए हमें। आज के ज़माने में आलिमों ने बहुत सारी तफसीरें लिखी है, तो हमें चाहिए कि हम वो तफसीरें पढ़ें, वो हमारे लिए ही लिखी है, और किसी आलिम के पास जाके उनसे इन चीज़ों के बारे में पूछें कि ये आयत है इसका क्या मतलब है, तो फिर हम अल्लाह ताला की क्रिएशन को भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक भाई ये बजरी तोड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है गांव में, ऐसे ही लोग बजरियाँ तोड़ते हैं, तो जहाँ पे बजरी नहीं पहुँच पाती वहाँ पे ऐसे पत्थर तोड़ तोड़ के ये बनाते हैं बजरी। और यहाँ पे हमारे छोटे भाई बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये वो वाला हाथ, ये वाला हाथ, ऐसे ऐसे ये तराने सुन रहे हैं, ये मदरसों के तराने सुन रहे हैं, मदरसे में जाएंगे इंशाल्लाह। हमने जाना ऊपर जो घर जैसे, वहाँ से ऊपर जो वो जगह है वहाँ भी हम शायद जाएंगे, क्योंकि वहाँ एक देवदार है, उसके नीचे से पानी निकल रहा है, तो वहाँ देखेंगे जाके अगर पहुँच सके हम। पहुंच गए हम बर्फ़ में, देखिए अब रास्ते पे भी आ गई बर्फ़ और यहाँ ऊपर से पानी आ रहा है, और ये बने हैं पानी की वजह से जम के, ये आइस स्टिक जैसी बनी है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और आज फिलहाल ख़त्म होगी, अब ऊपर जाएंगे, ऊपर शायद ज़्यादा बर्फ़ होगी और देखेंगे क्या क्या दिखता है हमें नया नया। तो अभी हमें हुए शायद आधा घंटा चलते हुए, बस हम उस जगह पे पहुँचे एक, जहाँ पे हमने गोल रखा था पहुँचने का, तो इस ऊपर देखते हम जाएंगे कि नहीं, देखेंगे अब आगे जाके फिर आपको भी दिखाएंगे कहाँ तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। पहुँच गए हम उस जगह जहाँ हम सोच रहे थे पहुँचने का, यहाँ पे जो नीचे है
शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे बिल्कुल पहाड़ है। इन जो पत्थर है ये वाला, वहाँ से नीचे अगर आदमी देखेगा तो बिल्कुल नीचे के लिए। और ये उस साइड भी नाला है, इस साइड भी नाला है, और बीच में ये जगह है, इसको बोलते हैं नेगिया। और जो सामने आपको दिख रहा है ये होगा पूरा ब्रेसवाना, और अल्लाह ताला की कुदरतें देख लीजिए आप, अल्लाह ताला की निशानी को ढूंढिए। हम पहुंच गए अब थोड़ा ऊपर, और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो ये पानी है, यहाँ ये शायद कपड़े वगैरह धोने के लिए है, और यहाँ पे ये अपने गाय वगैरह भैंसों को बांधते हैं दिन के लिए, उसके लिए बनाया हुआ इन्होंने। और यहाँ पे कुछ मुर्गियाँ, देसी मुर्गे और मुर्गियाँ, और यहाँ पे भी बांधते होंगे ये, यहाँ पे तंदूर भी है शायद, शायद इन्होंने कभी यहाँ पे तंदूरी रोटी बनाई होगी, इसलिए तंदूर भी लगा हुआ है यहाँ पे। बहुत ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत होती है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये जो चीज़ है ये वाली, ये गांव में होती है कपड़े धोने के लिए खास, इसको यूज़ करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे सीमेंट नहीं बनाते और इस लकड़ी का ही बनाते। ये हम पहुँचे नेगियन में, यहाँ पे बर्फ़ है। हम इधर से ऊपर जाएंगे, बहुत ऊपर, तो दिखाएंगे आपको कुछ हमें दिखेगा खुद को। तो इस साइड बहुत बर्फ़ है, भाई बोल रहे हैं उस साइड से ऊपर चढ़ेंगे, रुक रहे हैं, जाएंगे उसी साइड। हम पहुंच गए थे अब यहाँ नागी में, हमने सोचा था हम ऊपर जाएंगे वहाँ जहाँ से वो पानी निकलता था, हमने आपसे कहा था, बट वहाँ आज पानी बहुत कम है और हम थक भी बहुत गए, इसलिए हम वहाँ भी जा नहीं पाएंगे, यहीं से वापस जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, वो जो ऊपर दिख रहा है ये वाली जगह, इस जगह से पानी निकलता सारा, ऊपर देवदार है, वहाँ से पता नहीं कैसे निकलता होगा, शायद कोई निकलता होगा कहीं से, ग्राउंड वाटर होगा, तो यही पूरा यहाँ से नीचे उतरता है। तो ये वो जगह है जहाँ से पानी सारा निकलता है, और पूरे ब्रिसवाना के लिए यहीं से पानी जाता है। जगहों पे आदमी अंदर जाता है पूरा बर्फ़ के, इतना कितना बर्फ अभी है इन जगहों पे, कहीं खड्डा नहीं होना चाहिए। तो बाकी ये देखिए ये जगह, यहाँ से नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, अल्लाह अकबर, देखिए हम थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, फिर हम उसके बाद चलेंगे वापस। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे घर है, अब हम वापस के लिए चले हैं। यहाँ पे लोग गर्मियों में आते हैं, यहाँ पे लोग गर्मियों में आते हैं और भैंस वगैरह जो भी होती है उनको लेके आते हैं यहाँ, और यहाँ पे रहते हैं वो लोग, यहाँ पे दिन को बांधते हैं। यहाँ से अभी शायद कोई नहीं चल रहा है, यहाँ पे बर्फ अभी ऐसी ही है, यहाँ शायद अभी तक कोई नहीं आया। ये जो नीचे आपको जगह दिख रही है ये हो गया महला, यहाँ से महला साफ दिख रहा है, ब्रेसवाना भी साफ दिख रहा है सारा। तो और ये हॉरिजन देखिए, अल्लाह ताला की निशानियों को देखिए, इधर कितनी निशानियाँ देख रहे हैं हम अल्लाह ताला की।